इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको इस वर्ड फाइल से एक एग्जांपल समझाई थी कि हमारे पास के मीन्स क्लस्टरिंग में कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में डेटा होता है, यानी जो डेटा डेटा सेट में एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होता है, हमने उसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने वो बताया था कि किस तरह से पॉइंट्स में प्लेन में पॉइंट्स ड्रॉ करके, तो पॉइंट्स को जो है हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास 8 पॉइंट्स थे, A1 to A8। इसमें क्लस्टर किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं? मैंने बताया था कि प्लेन में हम इन 8 पॉइंट्स को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में, और इसका प्रोसीजर कुछ ये है कि पहले डिसाइड करना होता है कि इसमें कितने क्लस्टर्स बिल्ड होंगे। लेट्स से हम कहते हैं जी कि 3 क्लस्टर्स शुड बी जनरेटेड, तो हमें 3 क्लस्टर्स जनरेट करने के लिए उन तीनों क्लस्टर्स के मीन्स डिफाइन करने होते हैं। इन फर्स्ट आइट्रेशन हम कोई भी 3 पॉइंट्स को आर्बिट्रेरी मीन चूज कर लेते हैं, जो कि एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन हम कोई भी हमने 3 पॉइंट्स जो है वो मीन चूज करने होते हैं, और अगली आइट्रेशन में जाके ऑटोमेटिकली एक्चुअल मीन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट आइट्रेशन में हमने A1, A4 और A7 को मीन कंसिडर किया, जो कि रेड डॉट्स में हमें व्यू हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेस्ड अपॉन दीज 3 मीन्स हमने सारे पॉइंट्स का इन मीन से डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द मीन्स, तो उस डिस्टेंस से हमें आइडिया होगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मीन से क्लोजेस्ट हैं। ठीक है, लेट्स से A4 से जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं वो A8, A5, A3 एंड A6 हैं। ठीक है जी, तो ये एक क्लस्टर में आ गए जिनका सेंटर A4 है। इसी तरह से A2 इज क्लोजर टू A7। ठीक है जी, तो ये सेकंड क्लस्टर में आ गए जिनका मीन A7 है, और A1 जो है वो इंडिविजुअल है। ठीक है, अब आप अगर इन क्लस्टर्स को देखें तो ये इनके मीन्स अभी सेंटर में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने इन मीन्स इन पॉइंट्स का सेंटर एक्चुअल मीन्स निकालने होते हैं। ठीक है जी, तो आप इस ग्राफ में देखें हमने यहाँ पे एक्चुअल मीन्स जो हैं, जो इनका सेंटर है, वो निकालें। ठीक है, और फिर अगेन हमने वही आइट्रेशन रन करनी होती है कि इन मीन से हमने सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये आइट्रेशंस तब तक चलती रहती हैं जब तक कि मीन पिछली आइट्रेशन और नेक्स्ट आइट्रेशन में सेम नहीं होते। जब तक मीन चेंज होते रहते हैं हम ये आइट्रेशंस रन करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन का भी बता दूं, रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट आइट्रेशन में हमने एक टेबल की फॉर्म में ऑल 8 पॉइंट्स को कॉलम में रखना है, और जो 3 मीन्स हमने आर्बिट्रेरी मीन्स चूज किए हैं उनको हमने टॉप रोज में रख लेना, टॉप रो पे रख लेना। ठीक है, अब इस तरह से हमने हर पॉइंट का तीनों मीन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल पॉइंट A1 210 का हमने 210 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसी तरह से 210 का 58 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और 210 का 12 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरह से A2 का तीनों मीन से, और सिमिलरली सारे पॉइंट्स का तीनों मीन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस का,
ठीक है, लेट्स से 1.210, ठीक है, x1 एंड y1, ये दोनों पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, और नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है उसको हम x2 y2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के मुताबिक x2 माइनस x1 मॉड प्लस y2 माइनस y1 मॉड, ठीक है जी, ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें हमने इन दोनों पॉइंट्स को पुट करके डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। x2 चूंकि 2 है और x1 भी 2 है, 2 माइनस 2, y2 माइनस 1, y1 10 माइनस 10, डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर देनी, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से 210 का 210 से डिस्टेंस 0 आ गया, 210 का 58 से डिस्टेंस 5 है, एंड 210 का 12 से डिस्टेंस 9 है, ठीक है जी। इसी तरह से सारे पॉइंट्स का तीनों मेन से डिस्टेंस कैलकुलेट जो है वो यहाँ पे हमने किया। जब सारे डिस्टेंस कैलकुलेट हो गए, अब हमने डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट्स किन मेन से ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं, ठीक है जी। आप देखें A1 मीन 1 से जो है वो उसका डिस्टेंस 0 है, A2 से उसका सॉरी मीन 2 से उसका डिस्टेंस 5 है, और मीन 3 से डिस्टेंस 9 है। अब तीनों में से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मीन 1 है, डेट इज़ 0, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट मीन 1 से ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो ये क्लस्टर 1 में आ जाएगा। इसी तरह से A2 को आप देखें, तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस क्या है आप बताएं, 5, 6 और 4, हाँ जी, मिनिमम डिस्टेंस A2 का इन तीनों पॉइंट से मिनिमम किस किस क्लस्टर में है, आप लोग लगता है सो रहे हैं। किसी से पूछना पड़ेगा जी। रोल नंबर 17, आप बताएं कि A2 का मिनिमम डिस्टेंस किस क्लस्टर से है। रोल नंबर 17, यूजर डाइट, अटेंडेंस नहीं लगेगी इन लोगों की। रोल नंबर 44, फिफ्टी फाइव। सर सर एक मिनट, इसका डॉक्यूमेंट आगे कीजिएगा, डॉक्यूमेंट। जी, सर मीन 3 वाला जिसका सबसे कम है 4, वो वाला होगा, मीन 3 में गुड 4 गुड जी, ठीक है जी। ये पॉइंट मीन 3 से ज्यादा क्लोजेस्ट है, सो ये क्लस्टर 3 में होगा, ठीक है। इसी तरह के सारे पॉइंट्स हमने मिनिमम डिस्टेंस की बेस पे उनके क्लस्टर्स डिसाइड कर लिए। तो इस तरह से क्लस्टर 1 में 1 पॉइंट है, क्लस्टर 2 में 5 पॉइंट्स आ गए, और क्लस्टर 3 में 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी। ये जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया था, ये एक्चुअली एक्चुअली इस ग्राफ में जो है ये जो हमने न्यू मीन्स कैलकुलेट किए हैं, उन मीन्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लस्टर जनरेट हो चुके हैं। कौन सा था, सॉरी, ये वाला, ये है एक्चुअली, ठीक है जी। अब हमने न्यू मीन्स कैलकुलेट करने हैं ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन में जा सकें। तो न्यू मीन्स कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों क्लस्टर्स के अंडर इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें,
इस तरह से। और अब हमने न्यू मीन्स कैलकुलेट करने, सो किस तरह से न्यू मीन्स कैलकुलेट होंगे जी, लास्ट अगर आपने लेक्चर को लिसन किया हो तो आप जानते होंगे। जागने वाले स्टूडेंट बताएं। नहीं जाग रहा, पूछना पड़ेगा। रोल नंबर 25 आप बता दें। चलें जी क्विकली मैं ही बता देता हूं। सिंपली आपने ये करना है, लेट से फॉर क्लस्टर टू आपने पॉइंट एक्स वन सबको ऐड कर लेना है, 8+5+7+6+4 और इसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ पॉइंट्स से, ठीक है 5। इसी तरह से आपने एक्स टू के सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके इनको नंबर ऑफ पॉइंट्स से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से क्लस्टर टू का जो डिस्टेंस होगा विच विल बी 6 और 6, ठीक है जी। दिस इज न्यू क्लस्टर सेंटर ऑफ क्लस्टर टू, ठीक है जी। इसी तरह से क्लस्टर थ्री का जो सेंटर कैलकुलेट होगा वो होगा 1.5 और 3.5। तो क्लस्टर सेंटर की बेस पे आप अगर देखें तो ये हमारे न्यू मीन्स आ गए, ठीक है 6, 6, 1.5 और 3.5 और 2, 10, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे आप, इन मीन्स को आप टॉप पे लिखेंगे और पॉइंट्स को इसी तरह से आप टेबल में लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और अगेन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आइटरेशन चलती रहेंगी जब तक के प्रीवियस मीन्स नेक्स्ट मीन से सेम नहीं आ जाते। जब तक ये चेंज्ड रहेंगे तब तक हम इसको जो है वो रन करते रहेंगे। ये तो था प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने रिकॉल किया है। आज हम आज के लेक्चर पे चलते हैं और क्लस्टरिंग का एक और एल्गोरिथम देखते हैं, डेट इज़ हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है जी। कि जिसमें क्लस्टर जो हैं वो हायरार्किकल फैशन में जनरेट होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो क्लस्टर जनरेट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल MINTO2 क्लस्टर्स हैं, ये जॉइन हो रहे हैं, ठीक है जी। NARM ज्वाइन हो रहा है, ठीक है टू क्लस्टर्स, फिर BANARM। तो इस तरह से सारे क्लस्टर्स जो हैं वो एट द एंड जो है वो एक मेन क्लस्टर बन जाता है इन हायरार्किकल फैशन, ठीक है। तो इसमें कितने क्लस्टर बने, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जो क्लस्टर्स जनरेट होते हैं वो हायरार्किकल वे के अंदर जो है वो बिल्डअप होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। आपने देखा कि ए मीन्स जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में जो है क्लस्टर्स जनरेट करता है, पॉइंट्स की फॉर्म में जनरेट करता है, और हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है वो हायरार्किकल मैनर के अंदर जो है वो क्लस्टर्स को जनरेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। आप देखें इस टेबल को, आपको व्यू हो रहा होगा कि इसमें टॉप कॉलम में नेम्स ऑफ सिटीज हैं और वो में नेम्स ऑफ सिटीज हैं एंड लेफ्ट कॉलम में नेम्स ऑफ सिटीज हैं, ठीक है। और इनके इन बिटवीन जो है वो डिस्टेंसेस दिए गए हैं कि BA का BA सिटी से क्या डिस्टेंस है, 0 है। BA का FI से 662 है। BA का MI से 877 है, ठीक है जी। तो हमारे पास लेट से डेटा सेट कुछ इस तरह से है जिसे हम कहते हैं इनपुट डिस्टेंस मैट्रिक्स फॉर ऑल क्लस्टर्स।
ठीक है, तो यहाँ से हम क्लस्टर्स को हायरार्किकल वे के अंदर जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले देखें कि इस टेबल में सबसे जीरो के अलावा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है जी, अब तो बता दें कि इस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। देखें, चलें कौन रोल नंबर वन, आप बताएं इस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है एक्सेप्ट 219 जीरो। 219? नहीं, इससे भी मिनिमम है, 138 138। गुड, वो ठीक मुझे है। नजर नहीं आई। चले 138 पे आप देखें कौन से क्लस्टर्स जो हैं सिटीज कोलैप्स कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये सिटी टीओ एंड एम आई के इन बिटवीन है। ठीक है जी, रो वाइज भी देखें और कॉलम वाइज भी देखें तो 138 जो है दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एम आई एंड टी ओ सिटीज। ठीक है, तो अब हम इनको जो है वो कंबाइन कर लेंगे। एम आई आप देखें कॉलम लेवल पे भी है, एम आई एंड टी ओ इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इसी तरह से आप रो लेवल पे देखें तो एम आई टी ओ यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, इन दोनों को भी हमने कंबाइन करना है। कंबाइन किस तरह से हम करेंगे कि एम आई और टी ओ के दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 877 है, तो फाइनल एम आई स्लैश टी ओ क्लस्टर का जो डिस्टेंस होगा हम 77 कंसिडर करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट टेबल में दिखाता हूँ। इसी तरह से 295 एंड 400 में मिनिमम 295 है, इसी तरह से 754, 564 एंड 0। ठीक है, इसी तरह से रो लेवल पे भी हम एम आई एंड टी ओ को कंबाइन करेंगे। आप अगर ये देखें तो एम आई टी ओ को हमने कंबाइन कर लिया, जिस तरह से मैंने बताया कि दोनों क्लस्टर्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके जो मिनिमम वैल्यू है हम उसको रहने देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, रो कॉलम वाइज एंड रो वाइज, समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ आई है जी इस बात की? यस सर, आ गई है समझ। ठीक है ना, एम आई ओ टी ओ को हमने कंबाइन किया 877 996 में, जो मिनिमम वैल्यू है डेट इज 877। तो आप यहाँ पे देखें 877 है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें 295 एंड 400 में से 295 मिनिमम है, तो यहाँ पे 295 है। इसी तरह से अगर हम रो वाइज भी देखें तो रो वाइज कंबाइन करें तो एम आई टी ओ को 877 295। ठीक है जी, 877, 295, 754 एंड 564। तो इस तरह से अभी हम अगर हायरार्किकल वे में देखें तो हमारे टू क्लस्टर्स जो हैं वो कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एम आई एंड टी ओ जो है वो कंबाइन हो चुके हैं सर, अभी हम इस पॉइंट पे हैं। अब नेक्स्ट देखें जी, मिनिमम वैल्यू क्या है इस टेबल में। मिनिमम वैल्यू है जी 219। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से क्लस्टर्स कंबाइन होंगे? कोई भी नहीं बता रहा जी। वैल्यू टू नाइनटीन जी, NARM दोनों कंबाइन ओके होंगे। गुड। ठीक है जी, एन ए और आर एक्सक्यूज एम सर, कंबाइन। जी, वो स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया रोल नंबर 14, वो कह रहा है कि वो ऐड नहीं हो रहा, तो आप कोड शेयर कर सकते हैं टीम का।
क्यों नहीं ऐड हो रहा? वो कहता है मुझे शो ही नहीं हो रहा। चलें उनको उसको उसको कहीं ट्राई करें, फिर देखते हैं क्या करना है। कैसा? ओके जी, NARM यहाँ पे आप देखें, NARM भी कंबाइन हो चुका है, तो हमारा जो सेकंड क्लस्टर जनरेट हुआ, टू क्लस्टर्स कंबाइन हुए NA and RM। ये भी हमने यहाँ पे हायरार्किकल वे में ड्रॉ कर दिए दोनों, MITO एंड NARM। आप देखें जी मिनिमम वैल्यू क्या है, 255, एग्जैक्टली 255 मीन के BANARM को अब हमने कंबाइन करना है। सो BANARM यहाँ पे कंबाइन हो गया, मेथड वही है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें BANARM को हमने कंबाइन कर लिया, NARM ऑलरेडी टू क्लस्टर कंबाइंड थे, अब BA को उसके साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद मिनिमम वैल्यू देखें, दैट इज 268, यानी अब हमने FIBANARM को कंबाइन करना है। FIBANARM ओके जी, FIBANARM को कंबाइन करें तो कुछ इस तरह से, FI को भी हमने कंबाइन कर दिया, अब लास्ट हमारे पास जो है वो फोर वैल्यूज बची, तो इट मीन्स कि अब हम क्लस्टर करेंगे BA FIBANARM and MITO, इसको भी हमने इनके साथ कंबाइन कर। इस तरह से हायरार्किकल फैशन में सारे के सारे क्लस्टर जो हैं वो एट द एंड एक मेन क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जांपल भेजता हूं, आप उसको जो है वो खुद से करें, जिस तरह से मैंने आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग दी है, और इसको आप करके जो है वो मुझे फॉरवर्ड करें फिर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ थ्रू ईमेल। ठीक है, एट द एंड ऑफ क्लास मुझे जो है वो इसका आंसर चाहिए।